हाय वेलकम बैक टू द चैनल इस वीडियो में बात करेंगे कि जैट का जो पेपर अटेम्प्ट है या फिर कितने तुक्का लगाना है

50 और 40 एंड 30 परसेंट के आपके अटैम्प्टे और इसलिए अगर मैं होगी साठ परसेंट का पेपर हमें नॉर्मल पे मतलब, पे बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर सकता है करने वाले बच्चे 70 परसेंट भी कर लेते हैं 80 परसेंट भी कर लेते हैं नो डाउट अबाउट दैट उसके बारे में भी बात करेंगे सो so, अगर मैं 60 परसेंट का पेपर अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे वर्बल में राउंड अब सोलह क्वेश्चन बनेंगे नाउ यू माइट है इजियर आईब्रोज नाउ होगी सर सोलह क्वेश्चन वर्बल में कैसे पॉसिबल है पॉसिबल है यार सिंपल सी बात है देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं ना छब्बीस में से वो तुम्हारे आरसी वाले होते हैं आरसी वाला ना मैं आपको जेनुअली कहता हूँ अपने दस परसेंट जनता होती है जो में काम कर पाती है आप यहाँ पे मैक्सिमम ना डेढ़ या दो आरसी कर सकते हो उसमें भी एक्यूरेसी राम भरोसे बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट अगर मैं बात करू तुम्हारे बच्चे जो वर्बल एबिलिटी क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कहा जाता है उसको सो so, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से बकायदा बा वहां पर स्कोर भी मिलता है तो वो फोर्टीन क्वेश्चन पकड़ लिए एक का दुक्का भी अगर आरसी कर लोगे डेढ़ आरसी का मतलब कितना होता है भाई तुम्हारे राउंड अबाउट तुम्हारे चार पांच क्वेश्चन बन जाते हैं बिकॉज एक आरसी जो होता है वो तीन या, तीन क्वेश्चन का आता है सो so, अगर आप देखोगे आपका एक दो आरसी निकलेगा सो so, मेरे ख्याल से सोलह नंबर इज डेफिनेटली अचीवेबल अब यहाँ पे एक थोड़ी सी ना चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है क्वांट में 16 क्वेश्चन लास्ट ईयर अटेम्प्टेड हुए थे तो दो तरीके की चीजें हैं एक तो भाई मेरा 2022 का पेपर जो काफी टफ था दूसरा मेरा 2023 का पेपर जो बहुत ज्यादा इजी था मैंने देखा है मिडवे मैं चल रहा हूँ मिडवे पकड़ के ना ज्यादा टफ आए ना ज़्यादा है मिडवे पकड़ के चलते हैं उसके लिए अगर में बात करूं बाकी दस क्वेश्चन से मैंने साढ़े बारह मतलब बारह क्वेश्चन पकड़ लो राउंड अबाउट एंड ये नंबर आपका जा सकता है सोलह सत्रह अठारह तक अगर आप सीटूसी के बच्चे हो आपका यह नंबर सोलह से लेकर अठारह के घर में पक्का जाएगा बिकॉज एक एडवांटेज होता है डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी डूएबल आती है फाइन So, अगर मैं बात करूं साठ परसेंट की अटेम्प्ट मेरी है एंड मैं पकड़ के चलूंगा अस्सी परसेंट अब शायद से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अस्सी परसेंट तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है, मेरे भाई, तेरे को 175 मिलते है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए विच इज एक सौ अस्सी मिनट तीन घंटे है घंटे में तुम्हें करने पॉइंट सो so, अगर आप वो भी नंबर पकड़ के चलते हो सो यारोर्टी फाइव क्वेश्चन मुझे करने हैं डिवाइडेड बाई दिसन सेवेंटी फाइव पर क्वेश्चन मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तीन साढ़े तीन मिनट तो मेरे को आराम से मिल ही ही मिल रहा है राइट तो इतना तो काफी है, so, तो मैं है, तो है। इसलिए तो मैंने साठ परसेंट का पेपर पकड़ा है अस्सी परसेंट भी पकड़ सकता हूं पर मुझे पता है जिस टाइम पे बच्चा एक एवरेज बच्चा अस्सी परसेंट अटेम्प्ट करने जाएगा उसकी एक्यूरेसी नीचे आने वाली है ना देर नो डाउट देर आर नाइनटी नाइन परसेंट एक्ट नाइन सेवन द पेपर विद एटी

2030 के लेवल पे आता है ये परसेंट तेरा बनेगा 80 या 80 85 परसेंट की तेरे को दिखेगा राउंड अबाउट 44 45 का स्कोर बट मैं मिड पे पकड़ के चल रहा हूं तो so, मैंने कितने मार्क्स बनाए भाई मैंने 36 मार्क्स कमाए ठीक है अब एक चीज होगी दूसरी चीज अगर मैं गरीब लेवल पे बात करूं जो बच्चों का कैट खराब गया

वर्बल uh, में प्लस मैंने सोलह क्वेश्चन करे तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में एंड ज्यादा नहीं लेवल पे बात करेंगे तो दस क्वेश्चन तुम्हारे बने क्वांट्स में फिर भी यार तुम्हारा फॉर्टी टू का अटेप हो ही रहा है है ना यू पॉइंट सो अगर साठ परसेंट का अटेंट देखू वो कोई भी बच्चा कर सकता है अब इसके ऊपर अगर मैं बात करूक्यूरे सिर्फ साठ परसेंट का पेपर अटेंट करेंगे साठ परसेंट के रखेंगे है ना तो मेरा स्कोर कितना बना सत्ताइस आप अस्सी परसेंट के ऊपर हो यू आर इन अ सेफ जोन बाय द वे ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है मैं अगर चलूं 2022 के आ, के कट ऑफ ऊपर तो भाई आप 85 90 भी टच कर सकते हो अब थोड़ा बात करते हैं सर ये तो मैट्रिक समझ में आया है ना पर यार इसके नीचे नहीं जाना है है ना 50 के नीचे नहीं जाना है 40 और 30 परसेंट का पेपर अटेम्प्ट करके क्या ही मजा आने वाला है राइट अब मैं बात करता हूं नेगेटिव मार्किंग के बारे में इसके दो पहलू है ध्यान से सुन लेना मेरे पास सेवेंटी सिक्स थे यस सर कितने, कितने तो हाथ भी नहीं लगाया लगा। बट सर देखो पूरे क्वेश्चन छोड़ने का मेरे को कंसेशन है मैं कोई आठ क्वेश्चन छोड़ सकता हूं जिसके ऊपर ना मेरे को नेगेटिव मार्किंग वन जीरो वाली मिलेगी ना मेरे को नेगेटिव मार्किंग पॉइंट टू फाइव वाली मिलेगी तो आठ क्वेश्चन हमारे लिए बोनस है इसका मतलब सेवेंटी सिक्स माइनस एट तो जैट का पेपर एक्चुअली आपके लिए बना सिक्सटी एट क्वेश्चन का ध्यान से सुनना वेटेंट पॉइंट सो so, अगर मेरा कोई स्टूडेंट देखे 76 में से 45 फाइव अटेम्प्ट करे तो बेटा अनअटेम्प्टेड रहे 31 वन क्वेश्चन आठ क्वेश्चन को छोड़ दो तो नेगेटिव मार्किंग कितने क्वेश्चन पे बनेगी 23 क्वेश्चन अगर तू 45 फाइव क्वेश्चन करके तू अगर 23 क्वेश्चन छोड़ भी देता है या फिर तू 31 क्वेश्चन 31 वन क्वेश्चन अगर तू हाथ भी नहीं लगाता है तेरी नेगेटिव मार्किंग आनी है टू मार्क्स विच इज नथिंग एब्सुल्यूटली नथिंग अगर मैं बात करूं तो So, मैंने फाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसमें से मैंने कमाए 36 सिक्स मार्क्स राइट ये थी मेरी 80 परसेंट की एक्यूरेसी। अब मैंने 20 परसेंट जो पेपर था वो गलत करा 45 का 20 परसेंट कितना आया नो no क्वेश्चन मेरे गलत गए इस नो क्वेश्चन पे मेरे को मिला पॉइंट का नेगेटिव मार्किंग मतलब 2.25 मार्क्स मेरे कटे सवा दो मार्क्स मेरे कटे और मेरे जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे इकतीस उसकी मेरे 2.3 मार्क्स घटे सो अगर मैं बात करूं ये मैंने कमाया ये मैंने गवाया मेरा टोटल स्कोर आया 31.45 इट्स अ वेरी वेरी गुड स्कोर वेरी वेरी गुड स्कोर अब बच्चा बोलता है मैं तुक्का मैं तुक्का लगाऊंगा। सर 31 क्वेश्चंस को बिना हाथ लगाए रह ही नहीं सकता इट इज नेक्स्ट अभी आपको होगा फोमो, हो, क्वेश्चन छोड़ने में हमें थोड़ा सा डर लगता है हम डरते हैं ईगो आता है फोमो आता है अगर तूने इस 31 में से मान ले पंद्रह क्वेश्चन पे अगर तुक्का लगा दिया you know, यू गेट अगर तूने तुमने क्वेश्चन पे तुक्का लगा दिया सो पंद्रह क्वेश्चन मल्टीप्लाइड अगर मैं यहां पे बात करूं है ना परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो टू पॉइंट पकड़ पा, पा, लेते हैं भाई तुम्हारे कम से कम सवा तीन या चार मार्क्स ज्यादा जाने हैं सो यू शुड नॉट डू दैट बिकॉज एक एक मार्क्स पे आपका परसेंटाइल बहुत ज्यादा बनता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां तक जैड का सवाल है सो मेक श्योर दैट कि एक तो आप क्या करिए आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा दीजिए सेवेंटी का पेपर आपने अटेम्प्ट करा और आपकी एक्यूरेसी राउंड अबाउट परसेंट रखिए यू विल बी इन ज़ोन। होती नहीं है, अब सुन यहाँ पे होता है. ZAT में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर बिल्कुल नहीं पता चलता कि मैंने एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा स्कोर खराब होने वाला है सबसे पहला एरिया जो जैट का है वो है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग इसमें जितनी गलती बच्चों की होती है मेरे को लगता है उतनी ही गलती एक्सल आर जमशेदपुर की भी होती है बिकॉज एक्सल आर जो है जो जैड का पेपर बनाने वाले हैं ये बोलते हैं कि भाई डिसीजन मेकिंग का आंसर हमारे तरीके से यही है मतलब हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है नहीं पता चलता दूसरी बात जो एबिलिटी वाला पार्ट है वहां पे भी आपके कभी, कभी गलत जा सकते हैं बिकॉज में लास्ट टू तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से हद कर दी थी पैरा जम्बल एक बुक से उठाया था वो तो बोलते हैं ऑथर गलत है हमारा जो पैरा जम्बल का सीक्वेंस है वो सही है तो इनके साथ कोई बहस नहीं कर सकता

मैं चार क्वेश्चन इंफ्रेंस वाले आरसी वाले मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा ये में वो आठ मेरे जो भाई है है ना या फिर आठ मेरे फ्रेंड्स हैं इनको मैं प्यार से यूटिलाइज करूंगा और चार क्वेश्चन आएंगे उसमें से से कर सकते हो आराम क्वांट एंड डीआई में हमको पता चलता है कि भाई ये नहीं आएगा मैं इसको छोड़ दूंगा तो आठ क्वेश्चन आपको अगर देखोगे तो भाई आठ क्वेश्चन आप एक तो वर्बल से निकाल दो या फिर आप चार चार करके डीएम या वर्बल दोनों से निकाल दो बट यहां पर मुझे लगता है कि आपको यह क्वेश्चन छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होगा

तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है बिकॉज पॉइंट वन जीरो का नेगेटिव मार्किंग बचाने के लिए आप पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग को इनवाइट करोगे विच इज नॉट अ गुड चॉइस एट ऑल यू गैट पॉइंट सो आपके सोलह क्वेश्चन वर्बल में बनेंगे सोलह डिसीजन में बनेंगे दस क्वेश्चन आपके बनेंगे Uh, में सो so, मोटा मोटी अगर मैं देखूं आपके अराउंड अबाउट फोर्टी फोर्टी टू क्वेश्चन हो चलो मैं आपको और एक सिनेरियो बता देता हूं उसमें आपको क्या करना है मान लो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपने ठान ली कि भाई मैं कम से कम ना सत्तर परसेंट की पेपर करके आऊंगा ओके सत्तर परसेंट की अगर आप पेपर करते हो यू हैव अटेम्प्टेड इन दैट अब अगर है फिफ्टी थ्री से लेकर सेवेंटी सिक्स

So guys, पहली बात आपको क्वेश्चन करना है बिल्कुल भी नहीं बहुत सारे लोग कहेंगे क्वेश्चन करो भाई गलत ए बी सी डी ई पांच ऑप्शन आते हैं आपको में वहां पे तुक्के नहीं चलते जहां जहां पे पांच ऑप्शन आते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट गोज डाउन ड्रास्टिकली हाँ ये तीन या वहां पे तुक्के तुम्हारे लगते हैं बट पांच में अगर आप देखोगे जिस तरीके से ऑप्शन बनते हैं लगता है कि भाई हर एक ऑप्शन सही है इसमें जुगाड़ करना भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जहां तक सवाल है प्लेसमेंट का कि भाई बी दो बार रिपीट हुआ या सी दो बार रिपीट हुआ हर एक चीज दो दो बार रिपीट हो रही है तो वहां पे हम ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है वहां पे वो कॉल हम ले नहीं पाते वहां पर वो गट फीलिंग नहीं काम करती है सो मेक श्योर दैट में आप कम से कम साठ परसेंट का पेपर अटेम्प्ट करो विथ हायर एंड तुम्हारा एक्यूरेसी होगा एटी नाइनटी परसेंट आपका एक्यूरेसी होगा एंड इफ यू डू दैट आई थिंक यू आर शॉटेड मेरे ख्याल से सो गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू यार लाइक बाई करना वीडियो को कमेंट करना एंड अपने फ्रेण्स के साथ शेयर भी करना दै फ्रॉम माई सीट गाइस टेयर बॉय